आइए अब आगे चलेंगे और आगे बात करेंगे केजरीवाल जी की, जो केजरीवाल का सुपर एक्सपोज है। आपको पहले एक तस्वीर याद दिलाता हूँ, इस तस्वीर को याद कीजिए। अभिनंदन की वाइफ बनकर आई थी, तब हमने कहा था भैया कितने पति बदलती हैं, अपना पति छोड़कर अभिनंदन को बना लिया। बाद में फैक्ट चेक हुआ तो मालूम चला कि आम आदमी पार्टी की हैं, फैक्ट चेक हुआ तो मालूम चला कि आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। चलो साहब देखें मैडम के जरा पोस्टर देखें, शिरीषा राव जी हैं, बैश ऑन रिगार्डलेस आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार करते हुए, ठीक है, पीछे आम आदमी पार्टी का पोस्टर दिख रहा प्रचार करते हुए। कमाल है, और देखते हैं। तो आतिशी जी के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी, तो हम इनका क्यों दिखा रहे हैं, क्या लेना देना है? इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी घोटाला कर डाला, अब बड़ा लेवल का घोटाला कर डाला। कौन सा घोटाला किया वो भी बताते हैं, लेकिन पहले जरा इनके कनेक्शंस देख लीजिए। आइए, अभिनंदन की पत्नी बनकर ऐसा वीडियो बनाकर डाला गया था इनका सन्नाटा के साथ, अंदाजा लगाइए। अब आखिर हम इनकी बात कर क्यों रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जिस वजह से इनकी बात करनी पड़ रही है। आइए देखें, इसलिए बात कर रहे हैं, दिल्ली बजट 2021 देशभक्ति क्यूरिकुलम, फर्स्ट सैनिक स्कूल इन दिल्ली, रिवाइज्ड सिलेबस एंड मच मोर, पहला सैनिक स्कूल आ रहा है दिल्ली में। ये सैनिक स्कूल का घोटाला है साहब, सैनिक स्कूल का घपला है। कैसे हुआ ये घपला, कैसे हुआ ये घोटाला, बताते हैं अभी। दिल्ली विल हैव इट्स फर्स्ट सैनिक स्कूल अलोंग साइड दिल्ली आर्म फोर्सेज प्रिपरेटरी अकेडमी, वेयर बिसाइड्स रेगुलर स्टडी स्टूडेंट्स विल बी अक्वाइंटेड विद एनडीए कोचिंग। मनीष सिसोदिया जी, उप मुख्यमंत्री, जानकारी दे रहे हैं कि पहला सैनिक स्कूल होगा। अब इसमें हुआ क्या, अभी तक आप जिनकी शिरीषा राव जी की फोटो जो देख रहे थे आप इनके साथ में, उन्हीं शिरीषा राव जी को ये मिलना था, ये तमाम ठेके मिलने थे इसके, इसलिए वो इसमें दौड़ दौड़ के आगे काम भी कर रही थी। लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूस, इंटरेक्शन विद ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर इज ऑलवेज एनरिचिंग, हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिल्ली एजुकेशन रेवोल्यूशन। तो दिल्ली के एजुकेशन मॉडल से जुड़ी रही, ठीक है, और इन्होंने धीरे से बोला कि सैनिक स्कूल जो हैं उनको सरकार लेकर आए, दिल्ली सरकार लाए, और जब दिल्ली सरकार लाएगी तब क्या होगा, तब हम ले लेंगे उन्हें चलाने के लिए। लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूज, इंटरेक्शन विद ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं देखते हैं और क्या है। गवर्नमेंट स्कूल टू प्रेप किड्स, टू प्रिपेयर किड्स फॉर आर्म फोर्सेस, शिरीषा राव, वेरी गुड। इनके आर्टिकल भी निकलते हैं, हमें तो पता ही नहीं था, अखबार में बाकायदा इन्हीं के नाम से छप छप के निकल रहे हैं। द कैट इज आउट ऑफ द बैग, दे आर सेइंग वी आर अगेंस्ट आरएसएस बीजेपी ओनली, क्लियरली अंदर अटेम्प्ट बाय आईएसएस, दे आर देयर, एब्सोल्युटली मान जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए साहब, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर होती है। अब देखते हैं आगे फिर क्या हुआ, फिर क्योंकि इसको संचालन का जो इसका है वो किसी एजेंसी को देना था, आउटसोर्स करना था, तो फिर क्या करें। नई कंपनी रजिस्टर कराई गई, साइकोरियन एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर कौन है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 15 नवंबर 2021, आपाधापी में ताबड़तोड़ तरीके से, ठीक है ना, वो कब के थे, जो क्या नाम है, अखबार के नोटिफिकेशन थे 9 मार्च 2021, ठीक है, और 15 नवंबर 2021 को नई कंपनी बन जाती है। इस नई कंपनी में डायरेक्टर कौन है जरा देखिए, ये है डायरेक्टर शिरीषा राव, मैनेजिंग डायरेक्टर 15 नवंबर साइकोरियन एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की, ठीक। तो ये मैडम जो है इस कंपनी में आ गई और इस कंपनी में अपने डायरेक्टर बनकर इन्होंने जो है कंपनी खोल ली, सोचा कि ये स्कूल जो है सैनिक स्कूल ये मुझे चलाने को मिल जाएगा, पर उससे पहले ही बखेड़ा खड़ा हो गया, उससे पहले ही गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ कैसे हुई जरा उसे भी दिखाइए, दिखाते हैं आपको। हुँ.
नजर आ रहे हैं कि दिल्ली का पहला आर्मी प्रिपेटरी स्कूल नजोर के धड़ौदा गांव में उन्होंने खोला है। आज उसी स्कूल के सामने हम खड़े हैं और उस स्कूल की सच्चाई हम इन दस्तावेजों के माध्यम से बयां करेंगे। ये श्रीशा राव है। श्रीशा राव आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है और आम आदमी पार्टी के कोर ग्रुप के बेहद नजदीकी है। ये आम आदमी पार्टी की स्टार कैंपेनर रह चुकी है 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा। अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया उनको जिम्मेवारी देते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को किस प्रकार से लूटा जाए। शिशा राव की योजना बनाती है और योजना के अंतर्गत वो सभी स्कूल्स में जाती है दिल्ली के, और दिल्ली का जो झड़ौदा गांव का स्कूल है वो उनको इसके मुफीद लगा क्योंकि यहाँ लगभग 14 एकड़ की जमीन थी स्कूल में और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर था। वो इसकी जानकारी मनीष सिसोदिया को देती है 12 जून की विजिट के बाद, झड़ौदा स्कूल की विजिट के बाद। और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल योजना बनाकर लिखते हैं कि दिल्ली में भी होगा अपना पहला सैनिक स्कूल प्लस अकेडमी। उसमें अपनी योजना के अनुरूप सुधार करते हुए शिशा राव लिखती है, दिल्ली टू हैव इट्स ओन आर्म फोर्सेज प्रिपेटरी अकेडमी सून। अब असली खेल शुरू होता है। शिशा राव को जिम्मेवारी दी जाती है कि एक फर्जी नई कंपनी बनाई जाए जिसके माध्यम से ये लूट मचाई जा सके। 15 नवंबर 2021 को शिशा राव एक नई कंपनी बनाती है, साइकोरिन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके वो डायरेक्टर होती है राज्यलक्ष्मी, सतीश गंगा और मनीषा जोशी। ये केवल 1.5 महीने पुरानी कंपनी है और इस कंपनी को इतने बड़े स्कूल की जिम्मेवारी दी जाती है, जबकि इस कंपनी का ना कोई एजुकेशन में एक्सपीरियंस था, ना इसका कोई एजुकेशन सेक्टर में काम था, ना इसने कभी आर्मी सेक्टर की ट्रेनिंग ली थी। फिर किस बिहाफ पे इस कंपनी को टेंडर दिया जाता है? ये सारा लूट मचाई गई है। अरविंद केजरीवाल जी, ये किस प्रकार की लूट है जनता के साथ आर्मी के नाम पर? मेरा एलजी साहब से निवेदन है, इस लूट की जांच की जाए और इस लूट में जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई की जाए। तो साहब कंपनी बना ली, कंपनी बनाने के बाद ठेका भी मिल गया, बढ़िया है, सही काम है, सही जा रहा है, दिक्कत कहाँ है? फटाफट कंपनी बनाओ, ठेका दे दो और चोरी करो, वो भी ऐसे भयंकर खतरनाक स्कूल से। अब आइए जरा देखें जो आरोप लगे वो सही है कि नहीं। बिल्कुल सही आरोप है, आम आदमी पार्टी का लेटर हेड है, ठीक है, जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है, रिसीविंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। आ जाइए नीचे, शिरीशा राव 16वें नंबर पर है, क्या है? वी हेयर बाय सबमिटिंग द लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर्स और ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी ऑफ फॉर लोकसभा इलेक्शन हरियाणा। स्टार कैंपेनर है शिरीशा राव, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह जानकारी दी इन्होंने, स्टार कैंपेनर। अब क्या करोगे, हम तो सोचते ऐसे वैसे ही कैंपेनर, पर ये तो स्टार कैंपेनर निकले। खैर, शिरीशा राव ने पहले अपने ट्वीट्स को प्रोटेक्ट कर लिया, फिर अनफॉलो कर दिए 13 लोग, और फिर जो है ओपन कर दिया, छुपाने के लिए। ये कैसे छुपाया जाए, चीजों को कैसे छुपाया जाए, चलिए आइए अब और आगे चलते हैं, ठीक है, कहाँ तक हुए, हाँ अब जरा और देखें। सर पार्टी तो बनती है, तमाम सारे लोगों के साथ में घुलना घुलना मिलना इनका है ना, ट्वीट सारे के सारे जो है इन्होंने छुपा दिए थे, लेकिन बहरहाल सब मिल जाते हैं, छुपता कुछ नहीं। सभी ने जिनको इन्होंने मेंशन किया था, बीरेंद्र धनोआ, उन्होंने भी ट्वीट अपने जो है छुपा लिए, ब्लॉक कर दिया लोगों को, छुपा लिए, ये सब कुछ चलता रहा कि पकड़े ना जाए। नागेश राव को भी इन्होंने किया था, नागेश पहला याद हो आपको, इन्होंने भी लॉक कर लिया प्रोफाइल। तो ऐसे तमाम सारे लोग जो इसमें जुड़े हुए थे, वो तमाम सारे लोग जो इस घपले में शामिल थे, वो धीरे से उन्होंने अपने अपने आप को छुपा दिया, अंडरग्राउंड हो गए। खैर बड़ी बात यह, अगर इसमें कोई भी घोटाला नहीं तो छुप क्यों रहे हो, खुलकर बाहर आओ। दूसरी बात, इसके लिए, इसकी जांच के लिए कितनी बार लिखना पड़ेगा भाई आपको, तो इसमें खुद से जो है आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए कि भाई हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार, पर कट्टर ईमानदार लोग जगह जगह बेईमानी करते नजर आ रहे हैं, जगह जगह बेईमानी करते दिख रहे हैं, क्या बोले, बड़ी बुरी स्थिति है। चलिए अब देखें इनकी दिल्ली में स्थिति कैसी है। शिक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करती है।
करती है, न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देती है। लेकिन इस समय मैं मौजूद हूँ सीएम आवास के 300 मीटर की दूरी पे। मैं इस समय यहाँ पे खड़ा हूँ सिविल लाइन का एक स्कूल, देखिए आप यहाँ पे, और यहाँ के सारे बच्चों को देखिए। इन लोगों की समस्या यह है, पेरेंट्स की समस्या यह है कि ये स्कूल जो कि यहाँ पे दो स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है, और दो स्कूलों को मर्ज करने के चक्कर में यहाँ के जो बच्चे 4400 बच्चे हो गए हैं, एक स्कूल में 80 से 100 बच्चे जो है वो पढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं। प्रॉब्लम तो हो गई, वो कह रहे हैं ड्रेस चेंज करने के लिए, कह रहे हैं 12th क्लास में कौन ड्रेस चेंज करेगा। जब क्या नाम है आपका? आशीष शर्मा। आप कौन से वाले स्कूल से? पहले वाले, दूसरे वाले? पहले वाले स्कूल से। जो यानी जो शिफ्ट होकर यहाँ पे आया है, पहले ये स्कूल कहाँ पे था? ये था उधर, क्या कहते हैं, श्यामनाथ। ये जो श्यामनाथ मार्ग पे जो ये स्कूल था, मैं आपको बता दूं, श्यामनाथ मार्ग पर जो स्कूल था, दिल्ली सरकार ने उसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चिन्हित किया, वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, लेकिन इससे ना पेरेंट्स से पूछा गया, ना किसी से पूछा गया, कोई ना मीटिंग हुई। तो साहब बच्चे जो है, तमाम सारे स्कूलों का ये हाल है, केजरीवाल हाई के नारे लगा रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई परेशान नहीं हो रहा तो वो सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार आदमी परेशान नहीं हो रहा। खैर चलिए और आगे देखते हैं, और क्या है, और क्या स्थिति है दिल्ली की स्थिति। डीटीसी की बसें सर धो धू करके जल गई, ये हालत है, क्योंकि रख रखाव नहीं है, पैसा नहीं रख रखाव के लिए, तो ये तो होना ही था, कब तक बचते, एक ना एक दिन तो होना ही था, तो हो गया। रख रखाव के लिए जब पैसा नहीं है, जब रख रखाव का पैसा इधर उधर एडवर्टीजमेंट में खर्च हो जाएगा, तो फिर यही होगा, ऐसा ही होता है, तो कोई अनोखी बात नहीं है। बड़े शर्म की बात है कि मतलब कैसे लोगों के हाथ में दिल्ली चलेगी। खैर जिनके चली गई, वो जो कह रहे थे पंजाब में सबको नौकरी देंगे, जरा देख लें, ये दिल्ली के उन टीचर्स का हाल है जिन्होंने वहाँ का टेट दिया हुआ है। वोट देकर चुना था, ये कहा गया था इनसे कि तो भाई तुमको नौकरी मिलेगी, नौकरी मिल रही है फिलहाल, गजब की नौकरी है। और देखें क्या हाल है इनका, पंजाब का हाल और देख लें सर, अभी कहाँ शुरू, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ ढंग से। यहाँ तो भैया धुनाई लगवा दी, वहाँ तो इतना सारी बातें हो रही, गुजरात में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, फलान कर देंगे, यहाँ तो धुनाई लगवा दी लोगों की, पटापट धुनाई लगवा दी। मैं जोधा सिंह जी, महिंद्रा कॉलेज पटियाला, 12 दिसंबर जड़ी दिसंबर के महीने मैं ज्वाइन किया, यह गंदियां नीतियां सरकार दी जिन्होंने भर्ती रद्द करी। अब सू इतने एक छोटी जी मीटिंग मंगना आई थी, और मीटिंग के देखो सू दे रहे हैं, साढ़े वाल फोन खराबा हो रहा, मेरे इन्होंने दो डंडे इधर लगते मारे ने, हाईली क्वालीफाइड क्लास है जी, सारे प्रोफेसर टीचर्स हैं, सब प्रोफेसर जिनको बैंथ पढ़ा दें, दैत दनादन। ये वो टीचर्स हैं जिनसे कभी बात कर रहे थे खड़े होके, मैं तो आपका भाई हूँ ना, नीचे आ जाओ। खजाना कुछ मंग लिया, कोई नौकरी नहीं मंग रहे, अभी कुछ नहीं कह रहे, अभी कह रहे सिर्फ साड़ी गल सुन लो, जे आम आदमी हैगे ने साडे कोल इत्थे सड़क ते आके सुन लेंदे साडी गल बात। असीं जदों उत्थे प्रोटेस्ट करन गए हैगे तां उदों इन्हां ने पहलां इक बैरीकेड लगाया, सानू अंदर जान नहीं दित्ता, एक बैरीकेड लगाया इन्होंने, सानू अंदर जान नहीं दिता है, अभी बहुत शांतमय ढंग नाल कहा भी सानू अंदर जाने दो, असीं सिर्फ एक पैनल मीटिंग करनी है, और साडा कोई इरादा नहीं सी इस तरह वायलेंट होने का, बैरीकेड तोड़न का, जदों इंसान हार जाता है, साडे पेशेंट्स ने जवाब देती है, पिछले 7-7 घंटे तो बैठे उड़ीक रहे हैं, उदों ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹੀ ਗਏ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਰਦਨ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗਰਦਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜੈਕਟ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਦਣ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਦਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਵੀ।
ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਖੜਾ ਦੋ ਫਿਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਲਾਈਆਂ, ਸੀਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। अरे साहब बड़े परेशान लोग, वो लोग हैं जिनसे बड़ा वादा किया गया था कि भैया तुमको जो है नौकरी देंगे, पक्की देंगे, ऐसी देंगे, वैसी देंगे, दुनिया भर की बातें हुई थी, लेकिन जो है नतीजा सिफर है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा। ये है आम आदमी पार्टी केजरीवाल मॉडल। और देखिए साहब केजरीवाल मॉडल, नशे ने किया पंजाब का नाश, लाल सूट वाली महिला के बाद तरन तारण में स्कूल के पास बेहोश मिली लड़की, ये वीडियो भी वायरल है। मोटरसाइकिल से लोग आए, इसको उतारा दीवार से यहाँ टिकाया और चले गए, नशे में धुत बेहोश मिली, भाग गए लोग इसको छोड़ के। ये स्थिति पंजाब में, स्थिति बहुत बुरी स्थिति है साहब, बहुत बुरी। नशे के मामले तो इतने हैं कि पूछिए मत, और बढ़ते ही रहेंगे, मुझे नहीं लगता कम होने वाले। आइए और देखें, हमारी समस्या यह है कि संगम विहार में जो हमारी रोड बनी है, तो यहाँ के जो विधायक जी हमारे दिनेश मुन्नैया जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने 9 करोड़ का फंड लागू हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो रोड है ढंग से बनी नहीं है, ना तो इसमें मटेरियल कोई ढंग का है, जो कि 2-4 महीने में रोड टूटने के कगार पे आ गई है। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने कंप्लेंट डाला है और आज हमने प्रदर्शन जारी किया है। दिनेश मौनिया ने रोड बनाया है, वो जो रोड है 5 साल तक चलने वाला था, वो 5-6 महीने में टूट के बिखर गया, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, इससे बाधा अवरोधक होती है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये मैंने अपना आज प्रदर्शन करने की, जैसे उनको पता लगा, उन्होंने आनंद फानंद में कि प्रदर्शन हमारे खिलाफ होने वाला है और कंप्लेंट भी उन लोगों को मिल गई है, उनको जैसे पता लगा उन्होंने रोज भर दिए हैं, लेकिन रोज तो वो चलने वाले हैं नहीं। आम आदमी पार्टी से विधायक है, भ्रष्ट विधायक दिनेश मौनिया, 9 करोड़ 23 लाख रुपए से। बाप रे, 9 करोड़ 23 लाख रुपए खा गए सब, सड़क टूटी फूटी सब वैसे का वैसा ही। कहते हैं वर्ल्ड क्लास सड़कें हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पता नहीं कौन सा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें आज तक समझ में नहीं आया, हमको भी समझना दादा। आइए इनसे भी मिलिए भाई साहब से। प्रोफेसर साहब स्कूल में आए पढ़ाने, कॉलेज में नशे में धुत है। वाह क्या बात है, उल्टा पंजाब। ये हाल है तो क्या बच्चों का क्या भविष्य होगा, खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। जब कॉलेज के अंदर, स्कूल्स के अंदर ये स्थिति है, GNDU कॉलेज है, उसके प्रोफेसर साहब हैं, इनका वीडियो वायरल है, पी पी आ के नाच रहे हैं, फुल मस्ती है साहब। यह आम आदमी पार्टी की सच्चाई है। एक और सबसे बड़ी सच्चाई आम आदमी पार्टी, अब देखिए आप, ये रहा आपके सामने। मैंने तुमसे क्या कहा था, मेरी बात को याद कर लो, मैं बोलूंगा नहीं, तुमसे मैंने क्या कहा था ना? अब पुलिस आ रही है, क्या हुआ इतना हंगामा, किस बात का है, क्या बात हो गई ऐसी? देखें जरा, आइए कौन से नेता जी, यही वाला वीडियो था ना, हाँ देखें, प्रेमिका के साथ रंगरलियां मना रहा था आप नेता, मौके पर पहुंची पत्नी ने जमकर की धुनाई। आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, आगरा से रंगरलियां मना रहे थे साहब, यह आम आदमी पार्टी की सच्चाई है। पत्नी पहुंच गई, दनादन जूतों से पीटा साहब, दनादन पीटा, सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कमाल है, सही है, और क्या करेगी वो, इतना तो बनता है, ऐसे कर्म करने ही नहीं चाहिए। जब सीएम खुद ऐसा है तो ये नॉर्मल है, हरीश चंद जी कहते हैं, बट सर दे आर ड्रिवन बाय सेल्फिशनेस, डोंट सी बिग पिक्चर, ओनली शॉर्ट टर्म गेन्स एंड क्राई फॉर एवर, हेयर यू के ऑल सेम एंड ब्लेम गवर्नमेंट और एलियंस। सब जगह हाल है रोबिन जी, सब जगह है ना।
करेंगे खुद गलत और दुनिया को दोष देते हैं। खैर आइए और जरा अब इनका गपोड़ापन सुनाएं आपको, कितने गपोड़ी हैं वो भी सुनिए। पिछले कई दिनों से गुजरात के सरकारी कर्मचारी बड़ा व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हैं? सभी सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं। और पहली बार देखा गया जिस तरह से सेक्रेटेरिएट का घेराव किया गया, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर सरकारी कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं। उनकी मेन डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। कल ही पंजाब के सीएम ने ऐलान किया है कि उन्होंने पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। तो जैसे पंजाब में अब लागू करने जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। आइए क्या किया कल ही उन्होंने, एक बार फिर से सुनिए। पंजाब के सीएम ने ऐलान किया है कि उन्होंने पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। आइए अब देखें क्या लिख रहे हैं। गुजरात के सरकारी कर्मचारियों के कई दिनों से व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांगी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। भगवंत मान ने पंजाब में ओपीएस लागू करने की तैयारी के ऑर्डर दे दिए। हम गुजरात में भी सरकार बनाने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई ऑर्डर नहीं मिले हैं किसी प्रकार के। हाँ एक ऑर्डर जरूर दिया गया और वो भी ये घोषणा तक नहीं की गई है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है ना, फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कीजिए कि ये संभव है क्या, क्या ओपीएस लागू की जा सकती है। इस संबंधित जो है उनको एक आदेश, अभी तक आदेश भी कहना गलत होगा, उन्होंने ऐसा जनसभा में कहा कि मैं ऐसा कहूंगा, अभी वो आदेश भी दिया नहीं है। ठीक, खैर तो क्या इनके चक्कर में पड़ेगी गुजरात की जनता, देख लेते हैं जरा। हेलो हम हिंदा आ गए हैं। केजरीवाल जी पहुंचे बड़े खुशी खुशी, लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगा दिए, भागे सर पे पांव रख के प्रेस कॉन्फ्रेंस से उधर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए। आइए और देखिए एक और एंगल से। चलो साहब तो ये स्थिति है, तो गुजरात के लोग तो इनके चक्कर में आने से लगते नहीं है कि इनके चक्कर में आएंगे। खैर केजरीवाल जी ऑटो में बैठ के जाते हैं, मालूम है आपको, ऑटो वाले का खाना खाने ऑटो में बैठ के। और गुजरात तक आते कैसे, इस चार्टर्ड प्लेन से VTSS के। ऑटो में बैठने का नाटक देखिए, गजब का, चार्टर्ड प्लेन का नाटक देखिए, कमाल है साहब, गजब हद है बिल्कुल। दैट टाइम वॉज एट द एयरपोर्ट, तो फिर भेजना चाहिए था ना सर वीडियो आपको बनाकर। तो ये स्थिति है सर, आइए तो ये तो ही केजरीवाल जी की बात, लोग आवाज़ लगा रहे थे मोदी मोदी मोदी, तो मोदी ने ऐसा क्या कर दिया वो भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। कोई सज्जन कुछ बता रहे हैं देखें। वडा प्रधान नरेंद्र मोदी नो नाम देश नी साथे विदेश मा पण एटलुज प्रभावशाळी छे के ज्यारे वडोदरा थी पेरिस गयेला एक डॉक्टर ने हार्ट अटैक आव्यो तो तेमणे डॉक्टर्स नी समक्ष मोदी ना गुजरात थी आवुं छुं एम कहेता ज VVIP ट्रीटमेंट मळी अने तेमनो जीव बची गयो। साथे ज 60 लाख रूपियानो बिल थवा छतां एक पण रूपियो लीधा विना तेमनी सारवार करी। 3-4 दिवस माटे पेरिस आया, समझ नो पडू कुछ नहीं पड़ा होगा साहब, डॉक्टर साहब हैं पेरिस गए थे घूमने, हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक आया तो उन्होंने पूछा, बोले कहाँ रहते हो क्या करते हो, तो उन्होंने बोला मोदी मोदी मोदी, मोदी कैसा है, मोदी घर से हूँ। जैसे उन्होंने मोदी मोदी सुना, इनको 5-स्टार ट्रीटमेंट दिया, तुरंत ट्रीटमेंट दिया 5-स्टार दिया बिना पैसे के उसके, ठीक है ना। और ये बात जो है ये बता रहे हैं, तो कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है, एक तरफ ऐसा व्यक्तित्व जिसको कि पूरे विश्व में माना जा रहा है, जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। तर मारे सीना में बहुत भयंकर दर्द थे और बहुत
પસીના વાયા ઉલટી આવી મને અને જીભ ગભરાયો એને એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી ત્રણ ચાર મિનિટ પછી એમ્બ્યુલન્સ આવી ગઈ એમ્બ્યુલન્સમાં મને સ્વાણ્યો અને ત્યાં તરત મારો ઈસીજી એમ્બ્યુલન્સવાળાને સ્વાણ્યો ક્યાંના છો અને ક્યાંના વતની છો તમે કહ્યું હું ડૉક્ટર છું હું ઇન્ડિયન છું એ લોકોને હું બતાવ્યો કે હા સાહેબ મોદીજીનો ગુજરાતનો છું અને ફેર મોદીજીનું નામ કોઈ અડધસ વાર દીધું મોદી મોદી કરીને કઈ વાર બોલ્યા ફ્રેન્ચમાં અને મને એમ્બ્યુલન્સ વગર મારા સગાને વગર મને બતાવ્યાને સીધી એક એમ્બ્યુલન્સ મન લઈને હોસ્પિટલ માટે દોડવા લાગી એમ હોસ્પિટલમાં જ્યારે પહોંચ્યો થિયેટરમાં તો મને ડૉક્ટર કશું નહીં બતાવ્યો કોઈ વાત જ નહીં કરી ઉઠાઈને મને સીધું ટેબલ પર લેટાયો એક પગમાં કોઈ મશીન બીજા પગમાં મશીન એકમાં હાથમાં મળી અને જમણા હાથમાં મારી નસમાં તરત પ્રોસિજર ચાલુ કરી આપ્યો એટલું બધું મને એઝ એ વેરી વેરી વીઆઈપી સમજીને માત્ર માત્ર મોદીજીના નામનો જો પ્રતાપ છે આ મને બચાવ્યો મોદી જી કે પ્રતાપ કા જો નામ કા જો પ્રતાપ હે ઉસને મુજે બચા લિયા કહેતે મોદી જી કા નામ લિયા તો વીઆઈપી ટ્રીટમેન્ટ મિલા તુરંત ડોક્ટર ને ઇલાજ કિયા ના સિર્ફ ઇલાજ કિયા નિશુલ્ક ઇલાજ કિયા ફ્રી ઇલાજ કિયા એક રૂપિયા ભી નહીં લિયા યે મોદી જી કે નામ કા ફરક ગુજરાતીયો કો ચુનના હે મોદી જી કા નામ ચુનેંગે કિસકા નામ ચુનેંગે હિન્દી મે બતાના સુનિયે ઇનકે મુહ સે બોલે ડોક્ટર હે ઇન્ડિયન ડોક્ટર હે ઓર ઉસકે બાદ મોદી જી કા નામ મોદી 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 કરકે કઈ વાર વો બોલતે રહે એમ્બ્યુલન્સ દોડતી રહી ઉન્હોને કોઈ ભી પૈસે કા કહીં ભી મેન્શન નહીં કરા ઓર જાતે સમય थैंक यू बाय टेक केयर कह के हमको बिना बिल दिए डिस्चार्ज फाइल दे दी वो सब रिकॉर्ड मेरे पास हैं। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया वहां वीवीआईपी सुविधा के समान तुरंत उनका इलाज किया गया बेहतर इलाज से उनकी जान बच गई लिहाजा आप समझ ही सकते हैं कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों पीएम मोदी का नाम ही आपकी सभी मुश्किलों का हल निकाल सकता है ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज क्लियर है तो ये फर्क है सर नेता नेता का एक तरफ वो नेता है जिनकी कोई वैल्यूज नहीं जिनको कोई पूछ नहीं रहा दूसरी तरफ ऐसा नेता जिसको यहाँ से लेके फ्रांस पेरिस सब जगह पूछ हो रही है खैर इनके तो अनुयायी वो हैं ना इनके फॉलोअर्स या इनके जो सपोर्टर्स हैं वो तो वो हैं जो सिख हैं तो क्या चल रहा है जरा वो भी देख लें सिखों का क्या चल रहा है आइए पाठ में से उठा दिया साहब बेद भी हो गई पहचानी इनको इनको सब के सब खालिस्तानी पहुंच गए साहब कल तक हमको परेशान कर रहे थे अब इन्हीं को परेशान कर रहे हैं सुखपाल सिंह जो है न्यूयॉर्क में तुलसी मंदिर में गए थे इनको बहरहाल अटैक करने के जुर्म में इनको अरेस्ट कर लिया गया लेकिन कोई नहीं वो तो छूट के आ जाएंगे फिर से कौन सा फ़र्क पड़ने वाला बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो इसी तरह से चल रही है तो न्यूयॉर्क में भी ऐसा होने लगा हमें तो पता ही नहीं था ये स्थिति है यदि आपको लाइव पसंद आया हो तो इस QR कोड को स्कैन करके अपना कंट्रीब्यूशन अपनी फीस अपना गुरु दक्षिणा जो भी आप समझते हो वो इसको स्कैन करके और जब आप स्कैन करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा नितिन एंटरप्राइजेस लिख कर आएगा आपके उसमें ना जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/nitinshukla पर और paypal.me/nitinshukla.gov पर कंट्रीब्यूट कर दें लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल टू रिसीव अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम अ वीडियो इज अपलोडेड If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/sanathani, paypal.me/sanathani.